कि एक मुजरिम को भी इज्जत का शरफ मिलता है, एक मुजरिम को भी इज्जत का शरफ मिलता है, एक मुजरिम को भी इज्जत का शरफ मिलता है, एक मुजरिम को भी इज्जत का शरफ मिलता है, एक मुजरिम को भी इज्जत का शरफ मिलता है। अच्छा हुक्म हो रहा है, फिर से पढ़ दूं, फिर से आप उसका सुनेंगे और जरा खोल कर हो जाइए माइक। के एक मुजरिम को भी इज्जत का शरफ मिलता है, मस्जिद फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने शहदाए करबो बला, फैजाने सदरुल्ला फाजिल, नारे तकबीर। इस शेर का फिर से इस्तकबाल करें के मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी में ये मेराज का वाक्य आप जहन में रखें। ऐ मेरी रूह मचल शाह इनाम आते हैं, ऐ मेरी रूह मचल शाह इनाम आते हैं, दिल की मस्जिद के मुसल्ले के इमाम आते हैं, और पहले अक्सा में मरातिब की सफे सजती हैं, तब कहीं जाके रसूलों के इमाम आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैंने नाना की बारगाह में शेर पढ़ा है, अब नवासे की बारगाह में। अगर शायरी हुई होगी मुझे मालूम है, ऐसी शायरी कभी कभी होती है, और खुसूसियत के साथ ये शेर अल्लामा तबानी साहब के हवाले। सुने, एक मुजरिम को भी इज्जत का शरफ मिलता है, जब मदीने की ज़ियारत का शरफ मिलता है, सिर्फ दुनिया में हुसैन सारी जिंदगी, सिर्फ दुनिया में हुसैन ऐसे हैं सारी जिंदगी, जो हुसैनी होगा खामोश नहीं रहेगा। सिर्फ दुनिया में हुसैन ऐसे हैं सारी
कहने बहुत बड़ा शेर किया गया है। मजमे से कोई हुजैनी खड़े होकर नारा लगा दे, एक हुजैनी मजमे से कोई भी। अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दीजिए, मैं तो चाहता हूँ इस्लामपुर का हर बच्चा किसी के बाप का नारा नहीं रसूल पाक का नारा लगाए। जी बेशक, सुने जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ फिर से पढ़ता हूँ कि सिर्फ दुनिया में हो से ये हमारी तरफ से तोहफा है, रख ले इंशाल्लाह, रख ले, रख ले, बस बनी मेरी बात ले, सिर्फ दुनिया में हो से रहते हैं कारी کہ خوش نصیبوں میں شمار اس کا کیا جائے گا۔ اے واہ 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 کیا کہنے، واہ واہ کیا کہنے۔ اسلام پور والوں آپ کو اپنی ماں کی محبت کا واقعہ، خاموش مت رہنا۔ خوش نصیبوں میں شمار اس کا کیا جائے گا۔ اور بس کہہ دیں یا رسول اللہ، علی سے خدا راضی۔
किस किस को अच्छा लग रहा है। आजकल जलसों का निजाम थोड़ा उल्टा हो गया है, जब तक उछल कूद ना हो जाए तब तक अच्छा ही नहीं लगता है कि नहीं। लेकिन कसम से मेरे मुस्तफा अगर आपके बैठने को कबूल फरमा ले, आपके सुनने को कबूल फरमा ले, अगर मेरे हुसैन आपके सुनने को कबूल फरमा ले, इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बदल जाएगा। लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुनिया में कोई तो जगह होगी जहाँ किस्मतें जगाई जाती है, जहाँ मुकद्दर सवारे जाते होंगे, ये वही हुसैन की महफिल है जहाँ सोई हुई किस्मत को जगा दिया जाता है। सुनेंगे सब लोग, सुन ले, एक मैं मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मतलब पढ़ने जा रहा हूँ। लोग आज जो मुसलमानों को हर जगह दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, टारगेट किया जाता है, आपको क्या लगता है ये मुसलमानों के साथ नया है? सही से बताएं, ये क्या लगता है ये नया है? नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत शम्मे बज़्मे हिदायत रसूलों के इमाम, वो सरदारे अंबिया, उन पर लोग पत्थर बरसाया करते थे, राहों में कांटे बिछा दिया करते थे, है कि नहीं? लेकिन फिर भी जिन्होंने कांटे बिछाए थे वही नबी पर जान लगाने लगे, है नहीं? तो नबी कल इस्लाम का झंडा कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है और कयामत तक ऊंचा। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग ये मानते हैं, सब मानते हैं, माशाल्लाह। अब मैं मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी अपने हाथों को झंडा बना लेना थोड़ी देर के लिए, और कोई भी शख्स खामोश न रहे, नबी की बस में बैठने हैं तो बोलकर बैठिएगा, सुभान अल्लाह कहना है, ठीक है? एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं हजरत को कम से कम आप एहसास दिलाए, कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुने।